बांग्लादेश में इनकलाब आने के बाद बांग्लादेश कैसे भारत और अमेरिका के चुंगुल से निकलकर पाकिस्तान के करीब जाना चाहता है। बांग्लादेश में बनने वाली इंटरिम गवर्नमेंट के सरबराह की पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। इस मुलाकात को जहां पूरे मीडिया ने कवर किया, वहीं इसमें एक बड़ी खबर भी छुपी थी जिसके मुतालिक पहले भी हम आपको आगाह कर चुके हैं, लेकिन अब वन ऑन वन पाकिस्तान से बांग्लादेश ने न्यूक्लियर मामलात पर मदद तलब कर ली है। यानी बांग्लादेश ने भारत पर भरोसा करने की बजाय इस सिलसिले में पाकिस्तान से मदद लेने का फैसला किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर और कायम मुकाम बांग्लादेशी वजीर आजम डॉक्टर यूनस की दावत पर तकरीब में शिरकत की, जिसमें दोनों मालिक के ताल्लुकात को फुर्सत देने पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनस की दावत पर बांग्लादेश के अक्वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के 50 बरस मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में पाकिस्तानी वफद के ख्वाजा आसिफ अतातारड़, वफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मावन खसूसी तारक फातमी भी शरीक थे, जबकि डॉक्टर मोहम्मद यूनस ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफद का पुरतफाक इस्तकबाल किया। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के फरोग पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने के हवाले से भी बात की गई। अब न्यूयॉर्क में मौजूद ज़राए और सहाफियों की जानिब से यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनस ने बाकायदा तौर पर अपनी फौज को इस चीज की तैयारी करने से आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान से गौरी मिसाइल को भारत से खतरा होने के तनाजुर में पूरे बांग्लादेश में और खास तौर पर नॉर्थ बांग्लादेश में तैनात कर दिया जाए। सिर्फ मामला यहाँ तक ही नहीं रुकेगा, ये इब्तदा होगी। बांग्लादेश अगर इसके बाद एटमी कुव्वत बनने का प्रोग्राम रखता है तो नजर ये आ रहा है कि अब हसीना वाजिद और हसीना वाजिद ग्रुप की बांग्लादेश में वापसी मुमकिन नहीं, क्योंकि वो तो अपने माई बाप भारत के पास जाकर छुप कर बैठ गई है। ऐसे में डॉक्टर यूनस, उनकी हुकूमत और इनके बाद बनने वाली वो हुकूमत जिसे बांग्लादेशी अवाम के मैंडेट की असल हुकूमत समझा जाएगा, वो भी इस सिलसिले में पाकिस्तान से मदद तलब कर सकती है, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बार फिर लगभग 50 साल बाद करीब आ सकते हैं।